नमस्कार, मैं हूं साक्षी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले अब एक नजर सुर्खियों पर। अवैध बालू खनन पर रोक के लिए हुआ ये प्लान तैयार। शिक्षा विभाग ने 3 विश्वविद्यालय के खाते पर लगाई रोक। बीपीएससी शिक्षक और सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में कुरियर कंपनी की भूमिका संदेहास्पद। स्कूलों में बच्चों की 90% उपस्थिति नहीं रहने पर प्राचार्य और शिक्षकों पर एक्शन। आरसीबी ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में कुछ इस तरह से किया धोनी का स्वागत। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। अवैध बालू खनन पर रोक के लिए हुआ ये प्लान तैयार। बिहार में अवैध बालू खनन को लेकर रोक लगाने के लिए सरकार की ओर से प्लान तैयार किया गया है। इसके अनुसार अब इसके अंतर्गत बालू लदे वाहनों की पहचान लाल पट्टी से की जाएगी। ऐसे में अब अवैध खनन करने वाले वाहनों की पहचान करना आसान हो जाएगा। इससे अवैध बालू की तस्करी की शिकायत करना भी आसान होगा। आपको बता दें कि अवैध बालू की ढुलाई पर रोक के लिए गाड़ियों में GPS लगाना इससे पहले अनिवार्य किया गया था। बालू के अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए कई तरह के कार्य किए जा रहे हैं। बालू के अवैध खनन को और प्रभावी तौर पर नियंत्रण करने के लिए वाहनों में अलग पहचान देने पर जोर दिया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने 3 विश्वविद्यालय के खाते पर लगाई रोक। बिहार के 3 विश्वविद्यालयों के बैंक खातों के संचालन पर शिक्षा विभाग की ओर से फिर से रोक लगा दी गई है। इसमें मुंगेर, पूर्णिया और मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय शामिल है। जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग की बैठक में इन विश्वविद्यालय के कुलपति के नहीं आने की वजह से ये कार्रवाई की गई है। साथ ही तीनों विश्वविद्यालय के कुल सचिवों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। शिक्षा विभाग ने इन कुलपतियों को गैर जिम्मेदार बताया है। साथ ही कहा है कि बजट संबंधी मामला अति गंभीर होता है, इसमें कुलपति का स्वयं होना बहुत ही जरूरी है। आपका बैठक में नहीं आना इस बात का दर्शाता है कि विश्वविद्यालय के अति महत्वपूर्ण कार्यों के प्रति आप उदासीन है। उत्तर बिहार की सैकड़ों पंचायतों में भूजल संकट बढ़ा। पीएचईडी विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले 2 सालों में गर्मी आने के साथ ही मई जून में उत्तर बिहार में जल संकट में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, मधुबनी और झंझारपुर के इलाकों में भी भूजल संकट सामने आ रहा है। विभाग की ओर से एक रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें इस बात की जानकारी साझा की गई है कि 692 पंचायतों के कई इलाकों में 2 से 5 फुट तक भूजल का स्तर गिर चुका है। इस समस्या को देखते हुए विभाग ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है और इसके साथ ही इन इलाकों में निगरानी को बढ़ाने का आदेश दिया है। मालूम हो कि इधर दक्षिण बिहार की 1283 पंचायतों में 2 से 10 फीट तक भूजल स्तर में गिरावट दर्ज की गई है। बिजली रिचार्ज में गड़बड़ी की बात कहकर साइबर ठगों ने लगाया चूना। बिहार में साइबर अपराध में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। साइबर अपराधी लगातार लोगों को किसी बात का झांसा देकर अपना शिकार बना रहे हैं। पटना के बिरसा कॉलोनी निवासी सरकारी विद्यालय की शिक्षिका विद्या कुमारी और उनके ससुर कमलेश पांडे के खाते से बदमाशों ने 94,000 रुपए की निकासी कर ली है। इन्हें बदमाशों के द्वारा ये बताया गया था कि इनके बिजली मीटर रिचार्ज में गड़बड़ी है, साथ ही ये झांसा देकर इनके खाते से निकासी कर ली गई। आपको बता दें कि रामकृष्णा नगर निवासी से साइबर शातिरों ने क्रेडिट कार्ड का लिमिट बढ़ाने का झांसा देकर क्विक सपोर्ट ऐप डाउनलोड करवाकर उनके खाते से 70,000 रुपए की खरीदारी कर ली है। पटना में डबल डेकर पुल और जेपी गंगा पथ का निर्माण कर रही कंपनियों पर लगा जुर्माना। राजधानी पटना में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर बिहार राज्य पथ प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने सख्त रुख अपना लिया है। परिषद की ओर से पटना के अशोक राजपथ पर डबल डेकर पुल और जेपी गंगा पथ का निर्माण कर रही 2 कंपनियों के खिलाफ जुर्माना लगाया गया है। इन दोनों ही कंपनियों के ऊपर 8,74,000 रुपए का जुर्माना भुगतान का आदेश दिया गया। आपको बता दें कि पटना के अशोक राजपथ पर कारगिल चौक, गांधी मैदान से नित रोड तक डेकर ऊपर पुल निर्माण कार्य के दौरान प्रदूषण को रोकने को लेकर कंपनी की ओर से सही इंतजाम नहीं किए गए और आने जाने वाले लोगों को धूल से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण इस मामले को गंभीरता से लिया गया है और इन कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया है। बीपीएससी शिक्षक और सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में कुरियर कंपनी की भूमिका संदेहास्पद। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा और सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में कुरियर कंपनी की भूमिका संदेहास्पद पाई गई है।
बताया जाता है कि परीक्षा का प्रश्न पत्र कुरियर या लॉजिस्टिक कंपनी के कर्मियों की मिली भगत से लीक किया गया। बीबीएससी पेपर लीक मामले की तार अब सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। ईओयू की ओर से ये जानकारी दी गई है कि सिपाही बहाली परीक्षा के प्रश्न पत्र को ढूंढने का ठेका डीपी वर्ल्ड नाम की कुरियर कंपनी के पास था, लेकिन इस कंपनी ने अवैध रूप से इस काम में दूसरी कंपनी को शामिल किया और इसके बाद अनधिकृत रूप से ये कंपनी प्रश्न पत्र को ढो रही थी। स्कूलों में बच्चों की 90% उपस्थिति नहीं रहने पर प्राचार्य और शिक्षकों पर होगा एक्शन। स्कूलों में बच्चों की 90% उपस्थिति नहीं रहने पर अब प्राचार्य और शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई होगी। गर्मियों की छुट्टी के बाद स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति को 90% तक अनिवार्य कर दिया गया है। शिक्षकों की उपस्थिति 20% होना जरूरी है। अब स्कूलों में शिक्षकों के साथ ही प्राचार्यों की जिम्मेदारी भी बढ़ चुकी है। पहले से लागू हुए आदेश के अनुसार 3 दिन से अधिक दिनों तक बच्चों के स्कूल नहीं आने पर उनके अभिभावकों से उनके अनुपस्थिति का फोन करके कारण पूछा जाता था। 7 दिनों तक स्कूल नहीं आने वाले बच्चों के अभिभावकों को नोटिस भेज दिया जाता था, जबकि 15 दिनों तक स्कूल नहीं आने वाले बच्चों का रजिस्टर से नाम काट दिया जाता है। नीट एग्जाम पेपर लीक मामले में इस प्रसिद्ध कॉलेज का नाम आया सामने। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में आए दिन नए खुलासे किए जा रहे। इसी कड़ी में एक नया खुलासा हुआ है। दरअसल अब पावापुरी का महावीर मेडिकल कॉलेज जांच के घेरे में आ चुका है। जिला पुलिस की टीम जांच करने के लिए यहां पर पहुंची। वहीं जानकारी के अनुसार पेपर लीक मामले का मुख्य सरगना उज्जवल भी मेडिकल का छात्र रहा है। पुलिस की ओर से इस मामले में हर स्तर से जांच की जा रही है। मालूम हो कि इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तारी की जा चुकी है। बताया जाता है कि सॉल्वर गिरोह की गहरी पैठ देश के अलग अलग मेडिकल कॉलेजों तक है। पीएमसीएच के नए भवन में शिफ्ट ओपीडी का 18 मई से होगा रजिस्ट्रेशन। पीएमसीएच के नए भवन में शिफ्ट ओपीडी का 18 मई से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। फिलहाल पीएमसीएच के नए भवन में शिफ्ट किए गए विभागों के ओपीडी का रजिस्ट्रेशन मखनिया कुआ में स्थित ओपीडी से किया जा रहा है। इन विभागों का रजिस्ट्रेशन 18 मई से राजेंद्र सर्जिकल ब्लॉक के बाहर निर्मित रजिस्ट्रेशन काउंटर पर होगा। इससे अब मरीजों को काफी आसानी होने वाली है। नए भवन से पुराने रजिस्ट्रेशन काउंटर की दूरी काफी अधिक थी। जानकारी के अनुसार अब सभी विभागों का ओपीडी नए भवन में संचालित किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने भाजपा को 10 पॉइंट पर घेरा। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल रहे हैं। इन्होंने एक बार फिर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा है कि नौकरी, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, पलायन, किसानों, बेटियों, छात्रों, शिक्षा, पेपर लीक, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौन है। प्रधानमंत्री जी नकारात्मकता में इतने डूब चुके हैं कि विकास, निवेश और बिहार की बेहतरी के बारे में कभी कोई सकारात्मक बात नहीं करते हैं। तेजस्वी यादव ने पूछा है कि बिहार में इतने सांसद देने के बावजूद मोदी सरकार ने बिहार के लिए क्या किया है। प्रशांत किशोर ने लालू परिवार पर कसा तंज। जन स्वराज पदयात्रा के दौरान सैकड़ों लोगों को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा है कि आप जिस विषय के ऊपर वोट करते हैं वो आपको देर ही सही मगर मिलता जरूर है। देखिए, लालू प्रसाद यादव का लड़का तेजस्वी यादव 10वीं पास भी नहीं है और उसको सीएम बनना है, इसकी चिंता लालू यादव को है। और वहीं एमए करके आपका लड़का चपरासी नहीं बन पा रहा है, घर में बैठा हुआ है और आपको इसकी चिंता नहीं है। आप जाति का झंडा उठाए हैं, आपको धर्म की चिंता है, आपको यहाँ से पाकिस्तान दिख रहा है मगर आपको अपने बच्चे की गरीबी, बेरोजगारी और लाचारी नहीं दिख रही है। के पाठक के आदेश के खिलाफ भड़की कांग्रेस। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश पर कांग्रेस पार्टी भड़क गई है। दरअसल बिहार की सभी सरकारी स्कूलों में समय में परिवर्तन हो चुका है। इसे लेकर पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और विधान पार्षद मदन मोहन झा के आवास पर शिक्षक निर्वाचन के 6 विधान पार्षदों एकजुट हो गए हैं। इन्होंने स्कूलों के समय सारणी में परिवर्तन की मांग की है। इनका कहना है कि शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों के साथ गलत किया जा रहा है और सुबह 6 बजे स्कूल आने में बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विद्यार्थियों की नींद नहीं खुल रही है, इस वजह से कक्षाओं में बच्चों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। वहीं 1:30 बजे शिक्षकों की छुट्टी होने से उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक है। रोहिणी आचार्य के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर। सारण लोकसभा क्षेत्र से राजद के प्रत्याशी रोहिणी आचार्य का नामांकन रद्द करने की मांग को लेकर पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई है। याचिकाकर्ता ने रिटर्निंग ऑफिसर पर रोहिणी के खिलाफ शिकायत को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है, साथ ही याचिका दायर की है। भाजपा के उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी ने इस मामले में जानकारी दी और कहा है कि हाईकोर्ट में याचिका को स्वीकार कर लिया गया है।
जानकारी के अनुसार भाजपा ने रोहिणी आचार्य के नामांकन पत्र और हलफनामा के खिलाफ राज्य के मुख्य निर्वाचन आयोग और सारण के रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष शिकायत की है। इसमें इनकम टैक्स रिटर्न के संबंध में गलत जानकारी देने की बात कही गई है और इस मामले में हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की गई है। इस पर रोहिणी आचार्य ने जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि प्रतिद्वंदी प्रत्याशी गोदी मीडिया की मदद से मेरे नामांकन के संदर्भ में एक बार फिर से भ्रामक झूठा प्रचार फैला रहे हैं। चिराग पासवान ने विपक्षी गठबंधन को लेकर की ये भविष्यवाणी। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने महागठबंधन को लेकर एक भविष्यवाणी कर दी है। इन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव सहित महागठबंधन के जितने भी नेता हैं, वो सभी बौखलाहट में हैं। इसका कारण यह है कि बिहार की जनता का अपार समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल रहा है। चार चरणों में मतदान संपन्न हो चुका और इसमें जनता ने एनडीए प्रत्याशियों को साथ देने से मना कर दिया। चिराग पासवान ने कहा है कि किशनगंज की लोकसभा सीट भी महागठबंधन के खाते में नहीं आने वाली है, ये सभी जीरो पर आउट होने वाले हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं को बिहार में आना चाहिए। चिराग पासवान ने कहा है कि चुनाव प्रचार करना चाहिए इन्हें। तेजस्वी यादव को इस बात का जवाब देना चाहिए कि आखिर कांग्रेस के बड़े नेता बिहार में क्यों नहीं आ रहे हैं। आरसीबी ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में कुछ इस तरह से किया धोनी का स्वागत। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने चिन्नास्वामी स्टेडियम पर महेंद्र सिंह धोनी का स्वागत चाय के साथ किया। आरसीबी और सीएसके के बीच शनिवार को आईपीएल 2024 का 68वां मैच खेला जाना है। ये मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए काफी अहम होने वाली है। इसकी वजह यह है कि प्लेऑफ के लिए चौथी टीम का फैसला इस मैच के नतीजे से होने जा रहा है। इससे पहले माही का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। एमएस धोनी ने आरसीबी के ड्रेसिंग रूम में चाय की चुस्की का आनंद उठाया। आरसीबी के सपोर्ट स्टाफ से माही का चाय लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो बीपीएससी, एसएससी, यूपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किसे किया गया है? एन चंद्रशेखरन, चंदन कुमार, अभिषेक कुमार या अभिषेक अरोरा? सही उत्तर है एन चंद्रशेखरन। भारत और किस देश के बीच चाबहार में शाहिद बेहेस्ती बंदरगाह के संचालन के लिए दीर्घावधि समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान या भूटान? सही उत्तर है ईरान। मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक या डीजीपी कौन बनी है? माजिल अम्पारिन लिंगदोह, इदाशिशा नोगरांग, श्वेता नोगरांग या स्मृति नोगरांग? सही उत्तर है इदाशिशा नोगरांग। फोन पे ने भारतीय पर्यटकों के लिए किस देश में यूपीआई लॉन्च किया है? अमेरिका, नेपाल, श्रीलंका या इंग्लैंड? सही उत्तर है श्रीलंका। विश्व का सबसे ऊंचा प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल का उद्घाटन हाल ही में किस देश में हुआ है? श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान या नेपाल? सही उत्तर है भूटान। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है विनोद महात्मा, वेद प्रकाश सिंह, अशोक कुमार जायसवाल, मोहम्मद शकीर हुसैन, राजकिशोर मेहतो, नवल किशोर झा, अनवर करीम खान, राकेश मिश्रा, रोशन कुमार, राजकिशोर मेहतो। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का हमारा सवाल है कि जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार के सभी सरकारी स्कूलों का नया समय सुबह के 6 बजे हो चुके हैं, आपके अनुसार क्या इसमें बदलाव होना चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना नहीं भूले। धन्यवाद।